हिमाचल में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई। प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला पिछले दो दिनों से शिमला में विभिन्न कमेटियों की बैठक कर रहे, जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे। मंगलवार को 2 बजे तक बैठक करने के बाद राजीव शुक्ला दिल्ली के लिए रवाना हुए। राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस की विभिन्न कमेटियों की 2 दिनों तक बैठक की गई और कार्यों की समीक्षा की गई, कमेटियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में चुनावों को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुटी है। प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में काबिज होना तय है। हिमाचल में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और भाजपा से लोग दुखी हैं। विजय हासिल करेंगे, माहौल हमारे पक्ष में है, भाजपा सरकार से लोग त्रस्त हैं, जनता दुखी है, युवा परेशान है, महिलाएं तंग हैं, महंगाई से लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं, किसान मजदूर बागवान सब परेशान हैं। तो ऐसी सरकार को जो है लोग हटाना चाहते हैं, तो यहाँ आप देखना जनता वोट देना चाहती कांग्रेस को और कांग्रेस यहाँ विजय हासिल करेगी। सर, कांग्रेस एक तरफ गुटबाजी खत्म करने की बात करी है, लेकिन सिरमौर के कुछ नेता जो आपके साथ बैठक करके यहाँ से गए, उसके बाद दोनों नेता आपस में लड़ गए और मामला पुलिस तक पहुँच गया। सर क्या है, छोटी एक घटना हुई है वहाँ की, हम उसका नोटिस ले रहे हैं अपने दिमाग में और जो उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। बाकी गुटबाजी का हमें एक पार्टी का नाम बताओ जिसमें गुटबाजी ना हो, बता सकते हो? कोई खतरा नहीं, मजबूत सरकार है, पूरा 5 साल पूरा करेगी। चलो थैंक्स जी।